तो यार भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। सो क्वेश्चन इज दैट कि BGMI इंडिया में वापस आएगा या फिर नहीं। अब आएगा तो कब तक आएगा, कौन सी डेट को आएगा, क्या उसकी रिलीज डेट होगी, एंड आएगा या फिर नहीं। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इसकी वीडियो में मतलब बात करने वाले हैं। एंड लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट, BGMI बैन कब हुआ था, आप लोग सोचो बैन कब हुआ था। तब BGMI बैन हुआ था 28 जुलाई 2022 को, 2022 की 28 जुलाई, यानी कि ऑलमोस्ट जुलाई ख़त्म हो गया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने अभी तक हो चुके, या फिर 6 से 7 महीने हो चुके BGMI को बैन हुए। अब क्या लगता है, इसके चांसेस BGMI इंडिया में वापस आ भी सकता है या फिर नहीं। तो देखो, मेरे को तो लगता है इसके चांसेस देखो 60-40 है। अब 60 कौन सा, 40 कौन सा, मैं बताता हूँ रुको। 60% चांसेस है कि BGMI इंडिया में वापस नहीं आएगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सोचा, 60% चांसेस है कि BGMI इंडिया में वापस नहीं आएगा, एंड 40% चांसेस है कि BGMI इंडिया में वापस आ सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो सबसे पहले, अगर BGMI आ सकता है इंडिया में वापस, तो वो कौन सी डेट को आएगा, कौन सी तारीख को आएगा, उसकी रिलीज डेट क्या होगी, यही सब आपके मन में क्वेश्चन हो गया ना। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को देता हूँ। देखो, यही इस यूट्यूब पर हर कोई बैठा है आपको रिलीज डेट बता के आपकी तरफ ऑडियंस गेन करने के लिए, मुझे पता है बिल्कुल। और मैं कभी भी आप लोगों को फेक न्यूज़ नहीं दूंगा। देखो, मेरे पास कोई भी रिलीज डेट नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ, ना मेरे पास कोई कुछ है। मैंने सिर्फ रिसर्च की, थोड़ा बहुत ढूंढा, देखा, तो मेरे को लगा कि देखो, BGMI जब इंडिया में वापस आ सकता है तो वो सीधा 1 साल के बाद, यानी कि अब तक तो 6-7 महीने हो चुके हैं, लेकिन और 6-7 महीनों के बाद आ सकता है, ये हो सकता है। या फिर देखो, अगर नहीं आएगा तो वो क्यों नहीं आएगा। देखो, एक गेम पहले बैन होके चला गया, पबजी मोबाइल, जो कि 2018 में रिलीज़ हुआ, 2020 में बैन हुआ, एंड 2021 में हमारा BGMI आया था, एग्जैक्ट 1 ईयर बाद, 1 साल बाद पूरा गेम आया था हमारा BGMI। अब देखो, वो गेम क्यों नहीं आएगा BGMI फिर से। देखो, उन लोगों ने एक ही गेम को 2 बार बैन किया, आप लोग समझ रहे हो, एक ही गेम को 2 बार बैन किया, एंड वो तीसरी बार ला के फिर से बैन करने में उनको, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, सब कुछ भाई क्या चल रहा है आप लोगों को भी पता है भाई। नहीं, तो इसलिए यही रीज़न है कि भाई गेम वापस नहीं आ सकता। रीज़न भी ये हो सकता है, एंड क्यों नहीं आ सकता वो भी है कि वो दो दो तीन दिन बाद थोड़ी ना आने के बाद, मतलब क्राफ्टन थोड़ी ना इतना ज़्यादा लॉस करेगा। 100 बिलियन या फिर मिलियन डॉलर्स उसने इन्वेस्ट किया है इंडिया में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है, आप लोगों को पता ही होगा। अब देखो, क्या लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी है कि गेम इंडिया में फिर से वापस आएगा या फिर नहीं। कोई आइडिया नहीं है, मतलब कोई नहीं। अगर कोई उसका वेट कर रहा है, अगर कोई छोटे बच्चे, मतलब मिडल, मतलब थोड़े बहुत उनकी जो एज है, अगर कोई भी मतलब यूट्यूबर, कोई भी मतलब जो अगर उसका वेट कर रहा है ना, तो मैं बता रहा हूँ, लेट्स मूव ऑन, छोड़ दो छोड़ दो एक गेम को। आई नो बहुत ज़्यादा, मतलब कि हमारी यादें उससे भाई बहुत बार देखे उसके वीडियो, अगर पुरानी वीडियो देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा पुरानी यादें, आई नो बहुत ज़्यादा पुरानी यादें। देखो, अगर थोड़ी बहुत होप, मन में थोड़ी बहुत होप रख सकती हूँ कि हाँ, हमारी गेम एंड हमारी आईडिया एंड हमारे सारे ओल्ड फ्रेंड्स हमें मिलेंगे, एंड उनके साथ हम लोग खेलेंगे। देखो, पबजी मोबाइल गया, पबजी मोबाइल में हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स थे 2 साल में, एंड उसके बाद BGMI आया, हमारे पुराने फ्रेंड्स गए ना, ये आप सभी लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों ने फिर से नए फ्रेंड्स बनाए, हमारे कुछ ऑलरेडी फ्रेंड्स थे। देखो, आउट ऑफ कंट्री के भी बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे, वो भी सारे चले गए थे। एंड एक बात और मैंने एक बात नोटिस की, आप लोग सबसे पहले, मैं आपको स्क्रीनशॉट पता नहीं दिखाऊंगा या फिर नहीं, दिखा भी सकता हूँ या फिर शायद नहीं। इंस्टाग्राम पे मैंने दो चार नहीं, बहुत सारे BGMI के कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूबर है, उनकी मैंने एक स्टोरी देखी कि BGMI का कोई तो एक गेम, अब BGMI को बोल रहा हूँ, क्राफ्टन का कोई तो एक गेम आ रहा है नया, जिसका प्रमोशन का प्री रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है ना, वो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपनी स्टोरी पे डाल के लिखा था कि प्री रजिस्टर कर लो, नया गेम आया है, लाइक क्लासिफाइड YT, मयूर गेमिंग, बंदूकबाज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन लोगों ने स्टोरी लगाई थी कि BGMI बोल रहा हूँ कि इस नए गेम को प्री रजिस्टर कर लो। इसका मतलब ये है कि क्राफ्टन जो इंडिया में जो है टीम है, किसी ने बोला था कि क्राफ्टन का CEO है, फिर क्राफ्टन वो चला गया है अब इंडिया से, नहीं, क्राफ्टन की सारी टीम इंडिया में है, ना वो क्राफ्टन के सर्वर और सब कुछ संभाल रहे, ये बात ध्यान से रखना, क्राफ्टन की टीम पूरी इंडिया में है एंड वो उनके सर्वर संभाल रहे BGMI, इसलिए अभी भी स्टिल इट्स वर्किंग, इसलिए।
तो इंस्टा पे उन्होंने स्टोरी की थी, यानी कि क्रॉफ्टन का और हमारे इंडियन स्ट्रीमर्स का कुछ तो कनेक्शन है, वो उन लोग कम्युनिकेट करते हैं, उनके पास उनके फ़ोन नंबर होते, हमारे इंडियन यूट्यूबर्स के सारे फ़ोन नंबर उनके पास होते हैं, तो वो लोग कॉन्टैक्ट करते उनको जब ईसी वगैरह मिलती थी, रॉयल पास मिलता था, प्रमोशन वगैरह, इसलिए तो इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ कि क्रॉफ्टन वाले उनके साथ मतलब कॉन्टैक्ट में है। अगर कुछ होना होगा तो आप लोग को न्यूज़ मिलेगी तो वो सीधा ऑफिशियल यूट्यूबर से मिल सकती है, अगर उनको परमिशन होगी तो, नहीं तो सीधा मतलब वेबसाइट, यूट्यूब चैनल एंड यहाँ वहाँ से खबर आएगी तो उसके ऊपर ध्यान मत रखना। बस यही बताना था मेरे को इस वीडियो में। मैंने आई नो मैंने बहुत ज़्यादा दिनों से वीडियो नहीं डाली, अब मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों नहीं डाली, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे इसलिए थोड़ा बहुत मतलब हो जाता है सीन, तो अभी तक ये वीडियो कब तक आएगी क्या होगा, एंड आगे कंसिस्टेंट होने की ट्राई करूँगा। सो होप सो कि आप लोग ये वीडियो पसंद आई हुई, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं जाना सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को इसे ही अगली नई वीडियो में, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करूँगा आगे, और कुछ मतलब आप लोग, मैंने एक पोल किया था जिसमें आप लोगों को बोला था मेरे गेमिंग फैक्ट या फिर गेमिंग न्यूज़ क्या करूँ, तो उसमें से देखते कुछ तो ट्राई करेंगे नया कॉन्टेंट। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।